आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल PCA क्लासेज अजीतगढ़ में। तो आज आपके सामने लेके हैं रक्त संबंध के ब्लड रिलेशन का टॉपिक, वो भी कैसे क्वेश्चन इशारे वाले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, तस्वीर की तरफ। और कौन कह रहा है यहाँ पर, राम कह रहा है। कौन कर रहा है इशारा, राम कर रहा है। क्या कह रहा है, उसकी बहन, किसकी बहन दोस्तों, इस तस्वीर की बहन। तो यहाँ तस्वीर की बहन होगी, तो यहाँ बहन होगी तो बराबर की पीढ़ी में आएगी और क्या रहेगी, माइनस, क्योंकि बहन क्या रहेगी, बहन होगी महिला, तो महिला को किससे लिखा जाएगा, माइनस से। उसकी बहन, मेरी बहन, मेरे भाई की, तो भाई किसका होगा, राम का, क्योंकि राम कह रहा है तस्वीर के लिए, तो इसका भाई यहाँ पर भाई होगा बराबर की पीढ़ी में। और क्या होगा वो, पुरुष, तो इसको लिखा गया प्लस से। भाई के पुत्र लक्ष्मण, तो भाई का पुत्र, ये मान लो कि ये क्या पुत्र होगा, तो कौन सी पीढ़ी में आएगा, नीचे वाली में, और पुत्र रहेगा तो क्या रहेगा दोस्तों, प्लस। भाई के पुत्र लक्ष्मण, तो भाई का पुत्र ये हो गया दोस्तों लक्ष्मण की क्या है, माता, क्या है, माता। तो माता यहाँ पर ये इनके पिता है, तो ये इसकी क्या हो गई, माता। माता हो गए तो ये आपस में क्या हो गए दोस्तों, पति और पत्नी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, तो राम का लक्ष्मण से क्या रिश्ता है, राम का, राम क्या लगेगा किसका दोस्तों, लक्ष्मण का। यहाँ तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो यहाँ पर देखें राम क्या लगेगा लक्ष्मण का, तो ये देखो ये इसके क्या है, पिता, और पिताजी का भाई दोस्तों, पिताजी का भाई क्या होगा, चाचा, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, चाचा। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो देखे अगर समझ में कम आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर पुरुष को प्लस से लिखा जाता है, महिला को किससे, माइनस से, और बड़ी पीढ़ी आती है तो कहाँ पर लिखा जाता है, ऊपर, छोटी पीढ़ी आएगी तो नीचे, और बराबर की पीढ़ी को बराबर में। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, कहने वाला यहाँ पे कौन है, पुरुष, कौन कह रहा है, पुरुष, और परिचय किसका दे रहा है, औरत का। तो यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे इनको, देखे इनकी माँ, किसके लिए कह रहा है, औरत के लिए, इनकी माँ, माँ कहाँ पे जाएगी, ऊपर, क्योंकि दोस्तों कौन सी पीढ़ी में है, ऊपर वाली पीढ़ी में, और माँ क्या रहेगी, महिला, तो इसको किससे लिखा जाएगा, माइनस से। इनकी माँ के पति, पति दोस्तों कहाँ पे आएंगे, बराबर की पीढ़ी में, और पति क्या रहेगा, पुरुष, तो इसको किससे लिखा जाएगा, प्लस से। पति की बहन, तो बहन भी दोस्तों किस में आएगी, बराबर की पीढ़ी में, और बराबर की पीढ़ी में आएगी बहन है महिला, तो इसको किससे लिखा गया, माइनस से। बहन मेरी मौसी है, किसकी मौसी है दोस्तों, यहाँ पर पुरुष की, तो मौसी कैसे बनेगी, पहले तो इस पुरुष की क्या होगी, माता, क्या होगी, माता, और माता की बहन ही क्या होती है, मौसी, तो ये इसकी माता और ये क्या आपस में बहने हैं क्या, तो देखो ये इसकी मौसी बन गई क्या, ये इसकी माता, माता की बहन क्या हो गई, मौसी। यहां तक ठीक है दोस्तों। उस औरत का व्यक्ति से, इस औरत का, ये औरत क्या लगेगी इस व्यक्ति की, ये कहना चाह रहा है, तो औरत क्या लगेगी भाई, देखो ये इसकी माता, ये माता के भाई, तो माता का भाई क्या होता है, मामा, ये हो गई मामी जी, तो मामा या मामी का लड़का क्या है, लड़की क्या कहलाएगी यहाँ पर, मामेरी बहन, तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों क्या रहेगा, मामेरी बहन। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की समदिन है, व्यक्ति उस औरत को कैसे संबंधित करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, सास, ससुर, साला, दामाद। तो प्लीज दोस्तों कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।